कैसे आप लोग सो हेलो नमस्ते सलाम सत श्री अकाल गेमर्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारे नेक्स्ट डायमंड रॉयल के बारे में कि हमें नेक्स्ट डायमंड रॉयल में कौन सा बंडल देखने को मिल सकता है। अभी तो हमारा करंट मनी हाइस्ट का बंडल चल रहा है फीमेल वाला, इसके बाद हमें नेक्स्ट डायमंड रॉयल में क्या बंडल देखने को मिलेगा इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा और भी कई सारे अपडेट्स बताऊंगा इसी के साथ साथ। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। और यार आप लोगों से मैंने एक बात बोलनी है कि आप लोगों ने यार इतना ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे, इतना ज़्यादा मोटिवेट किया, इतना ज़्यादा भाई प्यार दिया, मैंने कम्युनिटी पोस्ट करी थी यार, इतना ज़्यादा मेरे को इंकरेज किया यार, उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। आप लोगों ने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मोटिवेट किया यार। तो यूट्यूब क्विट करना तो यार मैंने बिल्कुल ही भूल ही चुका हूँ, मतलब यार आप लोगों का प्यार ही है जिसकी वजह से मैं यूट्यूब को कंटिन्यू रखूंगा, वरना यार मेरी जो स्टडीज़ है उसकी वजह से तो मैं यूट्यूब बिल्कुल कर ही नहीं पा रहा था, मतलब यूट्यूब को बिल्कुल ही टाइम नहीं दे पा रहा था। और भाई आप लोगों को पता ही होगा ऑनलाइन क्लासेस लगती हैं, तो मेरी ऑनलाइन क्लासेस सुबह से लेकर शाम तक लगातार लगती थी, और साथ ही साथ मेरे को बहुत सारे असाइनमेंट्स मिलते थे, तो वो मेरे को असाइनमेंट्स भी करना पड़ता था यार, जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था, मतलब अगर मैं बनाना भी चाहता था तो मैं बना नहीं पा रहा था। तो अब से आप लोगों को डेली वीडियोस देखने को मिलेंगी, बट जो टाइम में फ्लक्चुएशन है वो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा, मतलब कभी आप लोगों को सुबह को वीडियोज़ देखने को मिल जाएगी 10 बजे तक में, और कभी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी दोपहर में, कभी आप लोगों को शाम में भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये सब मेरे को मैनेज करना पड़ेगा, मैं टाइम निकाल के वीडियोज़ तो बना पाऊंगा बट जो मेरा टाइम है वो फिक्स नहीं रहेगा। तो आप लोग प्लीज़ यार वीडियो को सपोर्ट करना जैसे आज तक करते आए हो। चलो ये सब तो होगी बातें भाई, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ। जो हमारे अपडेट्स है वो मैं आप लोगों को मैं बता देता हूँ। सो हमारा सबसे पहला अपडेट है वो है एक न्यू पैराशूट की स्किन के बारे में। तो जैसा आप लोग देख ही रहे हैं ये पैराशूट का स्किन कितना ज़्यादा भाई अच्छा है, मतलब काफ़ी अच्छा लगा। आप लोग ज़रूर बताना आप लोगों को ये पैराशूट का स्किन कैसा लगा। वैसे इसी के ऊपर मैंने कई सारे अपडेट्स मैं आपको पहले भी दे दिए थे जो इसी टाइप के थीम्स के ऊपर। आप लोगों को मैंने गन स्किन्स भी दिखा दिया था और बंडल्स भी दिखा दिए थे, तो आप लोगों को पता ही होगा ये आपका पूरा एक थीम आएगा। और दोस्तों अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ जो कि हमें नेक्स्ट प्लेन देखने को मिलेगा, मतलब प्लेन का स्किन देखने को मिलेगा। तो जैसा आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं ये जो हमारा प्लेन का स्किन है ब्लू कलर का, जो कि सेम हमारे पैराशूट के स्किन के ऊपर ही बेस्ड है, मतलब उसी टाइप के ऊपर है और दोनों हमारे सेम ही थीम के ऊपर बेस्ड है। तो देख सकते हैं आप ये प्लेन का स्किन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो अब बढ़ते अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ जो कि हमारे एक और न्यू गन स्किन के बारे में, जो कि गन स्किन आप लोगों को डशा के हैंड में देखने को मिलता है, जो हमारा फीमेल कैरेक्टर है डशा उसके हैंड में देखने को मिलता है। तो जैसा आप लोग देख रहे हैं ये स्किन भाई काफ़ी ज़्यादा सही है, और इसकी एट्रीब्यूट्स की बात करें तो मेरे को अभी उतने अच्छे से कन्फर्म नहीं है, बट मैं आप लोगों को बता सकता हूँ जो कि मैंने इसको ट्रांसलेट करके निकाला है। तो इसका जो डैमेज है वो सिंगल प्लस हो रहा है, और इसका जो सिंगल प्लस हो रहा है वो है हमारा मैगजीन, जो इसमें माइनस हो रहा है वो अभी मेरे को कन्फर्म नहीं है दोस्तों, तो इसीलिए मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा। सो अब बढ़ते अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ जो कि हमारे कुछ ग्रेनेड की स्किन्स के बारे में है। तो जैसा आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं ये जो हमारा ग्रेनेड है थोड़ा मंकी टाइप में है यार, ये स्कल टाइप में ये ग्रेनेड आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये भी आप लोगों को बुया के टाइम पे ही देखने को मिलेगा। और इसका एनिमेशन आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, एनिमेशन तो काफ़ी अच्छा है। और एक और ग्रेनेड का स्किन है जो कि अभी अच्छे से स्किन तो नहीं देखने को मिल रहा, बट जो इसका एनिमेशन है वो मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ। तो जैसा आप लोग देख रहे हैं एनिमेशन इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है भाई, मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी इसकी एनिमेशन, और ये जो म्यूज़िक टाइप का एनिमेशन है काफ़ी मेरे को पसंद आया। आप लोगों को कैसा लगा ये आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो दोस्तों अब मैं आप लोगों को एक और न्यू बंडल दिखा देता हूँ जो कि आप लोगों को कुछ दिनों में देखने को मिल जाएगा हमारे भी इंडियन सर्वर में। सो दोस्तों ये जो बंडल है आप लोग देख सकते हैं पोलर बियर का ब्लैक कलर का बंडल है, जो कि मेल फीमेल दोनों ही पहन सकते हैं, और ये बंडल भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को। आप लोग ज़रूर बताना आपको कैसा लगा यार ये बंडल, और इसके चांसेस है कि हमें कोई स्पेशल रॉयल में देखने को मिल सकता है। लीक्स के थ्रू यही पता चला है कि हमें स्पेशल रॉयल में ही देखने को मिलेगा। सो दोस्तों अब बढ़ते अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ जो कि हमारे नेक्स्ट डायमंड रॉयल के बारे में। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो हमारा नेक्स्ट डायमंड रॉयल होएगा उसमें हमें कौन से बंडल्स देखने को मिलेंगे। तो जैसा आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं जो आप लोगों को पोस्टर देखने को मिल गया है, ये हमारा मेल का बंडल है जो कि हमें डायमंड रॉयल में देखने को मिलेगा, और इसी का आप लोगों को मैं फीमेल का बंडल भी दिखा देता हूँ जो कि आप लोगों को डायमंड रॉयल में देखने को मिलेगा। तो देख सकते हैं ये मेल
फीमेल के दोनों के बंडल आप लोगों को डायमंड रॉयल में देखने को मिलेंगे। ज्यादातर चांसेस ये है कि हमें मेल का बंडल पहले देखने को मिले, क्योंकि अभी हमारा जो करंट बंडल है वो हमारा फीमेल का बंडल है दोस्तों। और बैकग्राउंड नॉइस को यार इग्नोर कर देना प्लीज, क्योंकि काफी शोर था इधर। और दोस्तों अब मैं आप लोगों को इसका वीडियो दिखा देता हूँ। तो जैसा आप लोग देख रहे हैं, ये जो मेल का बंडल है इसकी एनिमेशन भाई कितनी ज्यादा खतरनाक है, मतलब मेरे को बहुत ज्यादा अच्छी लगी इसकी एनिमेशन और काफी ज्यादा अच्छा लगा। और इसके जो यार ये ग्रीन लाइटनिंग से या वो भी मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आया। और बाकी बंडल तो दिखने में भाई ठीक ठाक सही है, मतलब एवरेज सी लुक है, उतना भी ज्यादा खतरनाक बंडल नहीं है। मतलब आप लोग कह सकते हैं डायमंड रॉयल के लिए तो ठीक ही ठाक सा बंडल है। और आप लोग देख ही सकते हैं बंडल तो भाई अच्छा लग रहा है, बाकी सबकी अलग अलग चॉइस होती है, कुछ लोगों को ये बंडल पसंद भी आएगा। और जो इसका टॉप पार्ट है वो भी आप लोग देख सकते हैं, काफी ज्यादा अच्छा है, थोड़ा कार्निवल टाइप पे बेस्ड है। और आप लोग पैंट भी देख सकते हैं और शूज भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। बट जो इसका हेयर है वो मेरे को पर्सनली अच्छा नहीं लगा है, आप लोग जरूर बताना आपको ये हेयर कैसा लगा। और जो आप लोग देख सकते हैं इसके आईज में जो ये रेड रेड कलर का फेशियल है वो भी काफी ज्यादा मेरे को पसंद आया। तो ओवरऑल बंडल मेरे को काफी ठीक ठाक सा लगा, एवरेज सी लुक लगी मेरे को, उतना भी ज्यादा ओपी बंडल नहीं लगा मेरे को। तो आप लोग जरूर बताना आपको ये बंडल कैसा लगा। तो अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ जो इसका फीमेल वाला बंडल है वो कैसा आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो इसका फीमेल वाला बंडल है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, उसकी भी एक ऑफिशियल सी वीडियो दिखा देता हूँ। तो जैसा आप लोग देख रहे हैं ये जो हमारी वीडियो है इसमें आप लोग देख सकते हैं ये हमारा फीमेल का बंडल है। और ये भी बंडल भाई काफी ज्यादा अच्छा है, इसका भी एनिमेशन सेम उसी टाइप का है। और बंडल में उतने भी ज्यादा चेंजेस नहीं है, मतलब जैसा हमारा मेल का बंडल है उसी टाइप का हमारा फीमेल का बंडल भी है। बट जिसके जो हेयर है उसके कलर चेंजेस है, मतलब वो ब्लैक में था और इसके हेयर व्हाइट में है, थोड़ा कार्निवल टाइप में। और जो इसके हैंड में मॉन्स्टर टाइप का बन रखा है, जो इसके हैंड में मॉन्स्टर टाइप का बन रखा है वो मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगा। आप लोग जरूर बताना आपको ये कैसा लगा ये मॉन्स्टर टाइप का। और जो इसका आप लोग पैंट देख ही सकते हैं काफी ज्यादा अच्छा, और जो इसका शूज है वो भी अच्छा लगा। बट जो इसका हेयर है वो मेरे को अच्छा लगा मेल से, मेल वाले बंडल का हेयर मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और जो इसके आईज में भाई रेड कलर का देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है दो तीन को मर्डर करके आई होगी ये लड़की। अरे लोल मजाक कर रहा हूँ यार, काफी ज्यादा खतरनाक बंडल लग रहा है मेरे को ये फीमेल वाला, मेरे को अच्छा लगा है। और जहां तक चांसेस है मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि मेल का आप लोगों को पहले देखने को मिल सकता है। सो दोस्तों आप लोग जरूर बताना आप लोग इन दोनों बंडल्स को कितनी रेटिंग देना चाहोगे। मैं पर्सनली बताऊं तो मैं इसको देना चाहूंगा 10 में से 7, क्योंकि मेरे को एवरेज से बंडल लगे, उतने भी ज्यादा अच्छे नहीं लगे। सबकी अलग अलग चॉइस होती है, तो आप लोग जरूर बताना आपको कैसा लगा। और यार फिर से मैं आप लोगों को थैंक यू कहना चाहता हूँ, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया यार, उसके लिए बहुत ज्यादा थैंक यू यार, आप लोगों ने बहुत ज्यादा मोटिवेट किया। सो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ यार अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना और एक लाइक भी जरूर कर देना मेरे को मोटिवेट करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय गाइज।